So guys, avoid these pages to earn from Instagram. Yes guys, इन pages से आपको दूर रहना है. मुझे पता है कि आपके मन में ये चीज आया होगी, चलो इस प्रकार की pages बना लेता हूँ और earning मेरी start हो जाएगी. तो वो किस प्रकार की pages हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, और believe me आप ऐसे pages पे अपना time waste कर रहे हो. So please इन pages से दूर रहो, और उन pages के बारे में भी बताऊंगा जिन pages से आप काफी अच्छा खासा earning कर सकते हो ऑनलाइन से ऑन Instagram. यस गाइज, ऑन इंस्टाग्राम वो भी लाखों में आप अर्निंग कर सकते हो. अगर आप जानना चाहते हो कि आपको किन पेजेस से दूर रहना है और आप उसमें बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो इस वीडियो को देखते रहो. लेट्स गो. सो माय नेम इज टियर, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग एज यूजुअल ऑनलाइन मनी. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो आपके मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर पे आ सके और आप अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सको. सो अवॉइड दिस पेजेस, please avoid these pages to earn money from online on Instagram. So guys, उसमें सबसे पहला पेज है साइनिंग ऑब्जेक्ट पेज, और इसकी जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड गर्ल्स. ओके, देखो गाइस, बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम में इवन यही वो साइनिंग ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप देख के उनको फॉलो बटन दबा देते हो, बट ये पेजेस वर्केबल नहीं है, ये अर्निंग पेजेस नहीं है, आप इनसे अर्निंग नहीं कर सकते. लोग बहुत तेजी से फॉलो पाने के लिए नकली आईडीज बना देते हैं लड़कियों की और बार बार शेयर करते हैं, और लोग साइनिंग चीजों को देख कर उन तक पहुंचते हैं और फॉलो का बटन दबा देते हैं. बट ये वो लोग हैं जिनको आपके फोटो से सिर्फ मतलब है, आपके प्रोडक्ट या आपकी अर्निंग या आपको कभी ये अर्निंग नहीं देने वाले. सो ऐसे पेजेस से दूर रहो. शॉर्ट टाइम में ज्यादा फॉलो लाने के लिए ये सब चीजें मत करो, बिकॉज ये टाइम वेस्टर्स हैं. अगर आप इसमें 100K भी कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला आगे. अभी रिसेंटली की एक केस स्टडी में बताता हूँ, एक लड़की के 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे, उसको टी शर्ट बेचना था अपने इंस्टाग्राम पे, एंड वो अपने इंस्टाग्राम पे जाती है और टी शर्ट के पोस्ट करती है. वो लड़की एक भी टी शर्ट बेच ही नहीं पाए, और उसको सिर्फ 26 टी शर्ट बेचनी थी, एक भी टी शर्ट नहीं बेच पाए, और 1.5 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके. इज सो ब्यूटीफुल बट अर्निंग जीरो. सो गाइज, ऐसे पेजेस की तरफ आपको नहीं जाना और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है. सेव योर टाइम. नेक्स्ट मीम पेज. गाइज, मीम पेज का एक पूरा बवंडर आ चुका है, हर किसी के पास मीम पेज है, हर कोई मीम पेज बना रहा है. बट ये वैसे पेजेस हैं कि इसमें 1000-2000 या लाखों के ऊपर भी अगर आपको फॉलोअर मिल जाते हैं तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं मिलता. कुछ ही मीम पेजेस हैं जो बहुत ज्यादा टॉप के हैं, बट उनके पास भी इतना ज्यादा अर्निंग नहीं है. तो मीम पेजेस में भी आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज यहाँ वो लोग आते हैं जो मजे लेने आते हैं. दे आर नॉट कमिंग टू गिव यू मनी, दे आर नॉट कमिंग टू परचेस समथिंग फ्रॉम यू. ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम विद मीम पेजेस. लास्ट थर्ड पेज जिस पेज से आपको दूर रहना है, दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड पेजेस. यस गाइस, बॉलीवुड के पेजेस बहुत लोग बनाते हैं. लाइक मैं किसी का फैन हूं तो मैं पेज बना देता हूँ, मुझे बॉलीवुड से प्यार है तो मैं बॉलीवुड की वीडियोज एंड गाने डालना स्टार्ट कर देता हूँ. तो ऐसे बहुत सारे पेजेस पड़े हैं, बहुत फालतू के पेजेस पड़े हैं. लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, आपके पोस्ट को लाइक करने लगेंगे, बट एट द एंड बात आती है अर्निंग की, और इस पेजेस से भी अर्निंग नहीं होता. अब मैंने ये तीन पेज आपको इसलिए बताया कि ये तीन पेज बहुत ज्यादा मात्रा में इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, और हर बंदे को यही आइडिया आता है कि अगर उसको चाहिए फॉलोअर्स तो चलते हैं बना लेते हैं इस तरह के पेज. और आपके भी दिमाग में ये आइडिया आया था कि नहीं कि चलो लड़कियों के पेज बना लेते हैं और आपको मिलेगा फॉलोअप, देन आपका फॉलो बढ़ जाएगा तो मैं उसको चेंज कर दूंगा. क्योंकि लोग यही सोचते हैं जैसे ही फॉलो बढ़ जाएगा तो मैं उसका नीश चेंज करूंगा. तो याद रखो, ये वो लोग हैं जिनको आपके पेज से मतलब नहीं है, उनको उस लड़कियों से मतलब था, उस साइनी ऑब्जेक्ट से मतलब था, आपके पेज से मतलब नहीं है. पूरा अलग नीश है ये, तो वहां आपकी कोई भी अर्निंग नहीं होने वाली है. तो ऐसा काम बिल्कुल मत करो गाइज. अब बात आती है कि कौन से पेजेस है जो आपको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं, जिनके बहुत कम फॉलोअर भी आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड टेक्निकल पेजेस, प्रोडक्ट रिव्यू, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड और कुछ सेलिंग रिलेटेड. ऐसे पेजेस बनाओ जो आपको 1000 बंदे भी अगर आपके पेज को फॉलो करते हैं तो वो आपको महीने में 20
30,000 रुपये या उससे भी कई ऊपर पैसा आपको दे सकते हैं और पर डे का भी 2-3 हज़ार रुपये आपको कमा के दे सकते हैं वो लोग। और ये सारी चीज़ें कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है मैंने पहले से ही इंस्टाग्राम के वीडियोस बना के रखी है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाओ फॉलो करो और ऐसे पेजेस बनाओ। अब मैं मान के चलूंगा अगर आपके 1,000 फॉलोअर्स है, मान लो अगर आप इनको सिर्फ दो प्रोडक्ट बेचते हो $50-$50 या $100-$100 का, तो आपकी अर्निंग हो जाती है 15,000 रुपये और 7,000 रुपये सिर्फ दो लोगों को बोल रहा हूँ अगर आपके 1,000 फॉलोअर्स है तो। अगर मान लो इन 1,000 में से सिर्फ आप 100 लोगों को ही मंथली तौर पे बेच पाते हो अपने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे वो आप अमेजोन से उठाए हो, चाहे वो क्लिक बैंक से उठाए हो, चाहे वो आपके खुद के प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आप 100 लोगों को ही बेच पाते हो और हर बंदे को आप मान लो गिरी से गिरी कीमत में क्या होगी 1,000 रुपये ऑनलाइन अर्निंग में, अगर 1,000 रुपये की भी आप बेचते हो तो 100 लोगों से कितना रुपए हुआ, 1,00,000 रुपए की अर्निंग आपकी हुई। और मुझे पता है कि ऑनलाइन में 1,000 रुपए नहीं, कम से कम हर प्रोडक्ट $50 या $30 या उससे ऊपर का ही बिकता है और वही प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी होते हैं और काफी अच्छा मार्जिन आपको देते हैं। तो गाइस अगर आपको ऑनलाइन से अर्निंग करनी है तो प्रोडक्ट रिव्यू के पेजेस बनाओ, सिंगल प्रोडक्ट के पेजेस बनाओ, लाइक आप कर सकते हो मोबाइल्स के पेज बना सकते हो, कंप्यूटर के पेजेस बना सकते हो, जो नए नए मोबाइल आते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराओ। आपको बस एक पोस्ट बनानी है जिसमें आप यूज कर सकते हो canva.com, इट्स वेरी वेरी इजी, बस आपको बनाना है और डालना है, बनाना है और डालना है, हैशटैग्स का यूज करो। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है, जॉब प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप ऑनलाइन से इंस्टाग्राम पे कैसे अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप देख रहे हो इसको फेसबुक पे तो चैनल को लाइक और फॉलो करो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।